अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जैसे पहले थोड़ी सी मैं आपको चीज़ बताता चलूं कि हमारी जो वीडियो होती है वो लोगों को एजुकेट करने के बारे में होती है मेडिसिन के मुतल्लिक। मतलब लोग या पेशेंट जो आते हैं हमारे पास फार्मेसीज में, तो वो जो 5-7 दवाइयाँ लिखी होती हैं उनको तरीका इस्तेमाल का नहीं पता होता, उनको उसका किस इंडिकेशन जो है मेडिसिन की उसका नहीं पता होता। तो वो ये है कि इनका मतलब, वीडियोस का मतलब ये है कि उन लोगों को बताया जाए कि ये मेडिसिन इस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो वीडियो देखें उनके जहन में आ जाए जी ये वाली टेबलेट थी डॉक्टर ने लिखी, हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आप अगर डायग्नोस वाली बात है तो वो आपने फिजिशियन के पास जाना है, डायग्नोसिस वही करेगा, प्रिस्क्राइब्ड आपको मेडिसिन वही करेगा। आपने अगर इसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन लेनी है मेडिसिन की तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए आपने इसको मिक्सअप नहीं करना, आपने जो फिजिशियन है उनसे डायग्नोस करवा के उनसे कंसल्टेंसी करनी है आपने। तो आज वीडियो की तरफ आते हैं। कौन सी मेडिसिन जिसको आज डिस्कस करेंगे, वो टैबलेट है टोरीडीन सॉल्ट में, डिट्रूसिटोल नाम से आती है, फाइजर कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम में आती है। तो मैं आपको बाद में उसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये किस मकसद के लिए होती है, 2-3 कंडीशंस हैं उनके लिए यूज होती है, ओवर एक्टिव ब्लैडर, यूरिनरी एमरजेंसी और यूरिनरी अर्जेंसी, एक ही चीज़ है। तो ये क्या चीज़ होती है, आपका ब्लैडर ओवर एक्टिव क्यों होता है, किस कंडीशन में होता है? अब ये है कि जो बूढ़े खास करके पेशेंट होते हैं उनका जो है ना अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता। क्या कंट्रोल नहीं होता, कि उनको अर्ज हुई है, उनको जरूरत महसूस हुई है कि अब उन्होंने यूरिन करना है, तो वो उठेंगे वॉशरूम से तक जाने से पहले वो लीक हो जाएंगे, उनका पेशाब जो है वो कतरे उनके निकल जाएंगे पहले। तो इसका मतलब है कि उनका ब्लैडर जो है ना वो कंट्रोल नहीं है उस पर। तो ये इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इसके अलावा आप कौन सी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे ये जो आपके मसल्स होते हैं, असल में ब्लैडर की वॉल के जो मसल होंगे स्मूथ मसल, उनका मेन काम होता है, तो उनको कैसे आप अपनी डाइट के जरिए ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ के गैर ये आपके जो ब्लैडर है उसको कंट्रोल करेगी, उसके ऊपर एक्शन अपना शो करेगी, क्योंकि ये एंटी स्पास्मोटिक है। तो मैं आपको एक पिक्चर के जरिए समझाता हूँ कि ये किस तरह काम करेगी। अब एक ये आप पिक्चर देखें आपको शो हो रही है, इसमें एक नॉर्मल इंसान का ब्लैडर है और एक उसका ब्लैडर है जिसको ये टेबलेट जरूरत पेश आती है यूज करने की। अब उसमें नॉर्मल वाले में आप देखें बिल्कुल ठीक है, और जो ये वाला जो पेशेंट है जिसका मैंने आपको बताया, इसकी जो वॉल है उस पर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये रिलैक्स नहीं है। अब ये जो टैबलेट है ये स्पैज्म को ख़त्म करेगी और जो वो मसल्स हैं वो वॉल के उनको रिलैक्स करेगी, ताकि इंसान जो है वो बिल्कुल ठीक महसूस करे, वो ठीक इसी तरह महसूस करेगा जब उसका ब्लैडर फ्री होगा, ठीक है। तो ये इस तरह अपना काम करेगी। अब देखें डाइट में मैं आपको बताता चलूँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल करके इसको बेहतर बना सकते हैं। विटामिन सी रिच डाइट जो है या बेवरेजेस और फ्रूट्स होते हैं वो आप यूज़ करेंगे तो आपकी ये मसल्स वैसे ही ठीक रहेंगे। और एक मैं आपको बताता चलूँ कौन सी ऐसी डाइट है जो आप डेली रूटीन में छोड़ दें अगर आप ये पेशेंट हैं, ताकि आपका जो वो मसल्स हैं वो ठीक रहें। अब वो कौन सी हैं, अब उसमें सबसे पहले आती है कैफीन, जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये वाले पेशेंट वो ना करें। उसके बाद अल्कोहल एडिक्टेड बंदे जो हैं वो अल्कोहल को विड्रॉ कर दें। उसके बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाले बंदे भी अपने जो ड्रिंक्स हैं उनको विड्रॉ करें, उनको क्विट करें। उसके बाद आ जाती हैं कि जो एसिडिक फ्रूट्स हैं या जूसेस हैं वो जो है वो क्विट करें। उसमें ग्रेप फ्रूट आ जाएगा, लेमन आ जाएगा, ऑरेंज फ्रूट वगैरह या जूसेस वगैरह आते हैं वो आते हैं। उसके बाद आप देखें स्पाइसी फूड्स जो हैं वो भी आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली आप जो इसको कंट्रोल कर सकें या बेहतर कर सकें। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये हाउ लॉन्ग डज इट टेक डिट्रूसिटोल टू वर्क, मतलब ये कितना टाइम लेगी अपना एक्शन शो करने में जब आप ये टेबलेट लेते हैं। तो ये टैबलेट जो है 3 से 8 घंटे के दरमियान अपना एक्शन शो करेगी, और अगर जो बंदा ठीक नहीं हो रहा तो उसका ये है कि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। तो 4 वीक तक आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम जो है ना वो इतना टाइम लगता है किसी को अपना एक्शन शो होने में जो आप जो बंदे ये टैबलेट यूज़ करते हैं।
तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं इसके लिए कि आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपके वो मसल्स जो है ना वो रिलैक्सिंग पोजीशन में रहेंगे, ताकि जो नेचुरली जो इफेक्ट आएगा एक्सरसाइज का उसका भी फर्क पड़ेगा आपके जो वो कंट्रोल करता है ब्लड उससे। तो वो मैं आपको बताता हूं कि कैजुअल एक्सरसाइज एक होती है, वो आप देखें नेट पे सर्च करें कैजुअल एक्सरसाइज है, वो देखें वो एक्सरसाइज आप करने की कोशिश करें रूटीन में, तो उससे भी आपको नेचुरली फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको बताता चलूं लास्ट में कि ये किस नाम से मार्केट में आती है। एक तो ये है कि जो मैंने आपको बताई है फाइजर कंपनी की, एक और आती है उसका अल्टरनेट मैं आपको बताता चलूं इसका कि डेट्री फ्लो के नाम से आती है। अब ये दो तो मुझे पता है कि इस दो नाम से आती हैं, शायद कोई और भी आती होगी, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मैंने बताई है फाइजर की और सबसे अच्छी वो वही है डिट्रूसीटोल, और उसके बाद जो बताई है वो डिट्री फ्लो है। तो ये दोनों आपको इजीली किसी भी फार्मेसी के पास अवेलेबल है, आप यूज करें और अपना जो आपका ये मसला है ये हल होगा। लेकिन आपको मैं फिर एंड पे ये बता दूं कि डायग्नोसिस जो है वो आपने डॉक्टर से करवानी है। अगर आपको ये कंडीशन है तो आपने तब यूज करनी है, आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा ही हार्मफुल है। ओटीसी ड्रग्स अगर आपकी हैं तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी और ड्रग लेने से पहले आप जो कंसल्ट है वो अपने फिजिशियन से करें। शुक्रिया।